हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन स्टूडेंट्स, मैं हूं किशन पाल। आज मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूस ये इंटीग्रेशन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक, ठीक है स्टूडेंट्स, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम स्टूडेंट्स 7.7 जो कि स्पेशल फॉर्मूलाज जो बचे हुए हैं, जब मैंने आपको 7.4 कराया था स्टूडेंट, उस टाइम पे आपको बताया था कि वी हैव 9 स्पेशल आइडेंटिटीज इन इंटीग्रेशन, बट इन 7.4 वी कवर ओनली 6 आइडेंटिटीज एंड रिमेनिंग 3 आइडेंटिटीज वी विल कवर इन एक्सरसाइज 7.7। सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7 को, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, वहां हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, वहां जो भी आइडेंटिटीज थी वो कैसे थी, वन अपॉन में, इधर हमारा dx होता था, यहाँ अपॉन में ये सारी की सारी आइडेंटिटीज, आइदर इन स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट, सारी की सारी आइडेंटिटीज इस फॉर्म में लिखी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है उनका सिंपल, ये क्या है, डायरेक्टली लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, कुछ मैं आपको आइडेंटिटीज याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है, जो फर्स्ट हाफ पोर्शन कह सकते हैं, ये लगभग तीनों ही आइडेंटिटीज का सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है, तीनों ही आइडेंटिटीज का यहां से देखिए, ये आपका सेम है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमारा क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेट करना है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले इसे इरेज कर देता हूं। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करें तो हमें एक्स बाई टू याद करना है, देन जो हमारा अंडर रूट के अंदर वैल्यू है एज इट इज ऐसे ही पुट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ये देखिए, ए स्क्वायर बाई टू भी तीनों ही आइडेंटिटीज में है, ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बाई टू। देन अगर आपका, देखिए स्टूडेंट्स, एक साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, बाकी दो सिंपल हैं, जो सिंपल वाले हैं उनमें लॉग का यूज होगा, देन एक्स प्लस, ये देखिए 7.4 में भी आइडेंटिटी कर चुके हैं हम, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड देखिए स्टूडेंट सेम आइडेंटिटी, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो जो हमारा जिसको इंटीग्रेट करना है सेम वही वैल्यू, देन ए स्क्वायर बाई टू, यहां देखिए यहां माइनस था तो हमने माइनस यूज किया, यहां प्लस है तो हमने प्लस यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेम है पूरी आइडेंटिटी, ठीक है, हमको क्या करना है, यहां और यहां सेम वैल्यू पुट करनी है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो अगर ये ऐसे होता है स्टूडेंट्स, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी साइन इनवर्स का तो यूज होगा, लेकिन कब होगा, देखिए ये देखिए फर्स्ट हाफ सेम है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हाफ सेम, देन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, एक एक करके। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन आपका क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट, मैं इसको लिख सकता हूं, इसको थोड़ा स्ट्रेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, ओके। देखिए, अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। नाउ अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, पहले मैं एक बार आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स अपॉन टू, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आइडेंटिटी यूज होनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है। तो क्वेश्चन को अप्लाई करते, क्वेश्चन में इसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, टू है, एंड यहां से देखिए स्टूडेंट्स एक्स तो हमारा सिंपल है तो इसको हम एक्स स्क्वायर भी रहने दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू टू है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टू, एक्स की वैल्यू एक्स है, ठीक है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट जो वैल्यू हमारे पास एज इट इज क्वेश्चन में है वो पुट कर देंगे, फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास टू, तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू पुट कर दी और फाइनल आंसर इज एक्स अपॉन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर अपॉन टू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू
साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। क्वेश्चन नंबर टू में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से लिख दिया। नाउ पुट करेंगे हम इसमें, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू हमारा वन है एंड टू एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, जब टू एक्स इज इक्वल टू टी लेट किया तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, देन वी गेट टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो स्टूडेंट्स वी हैव ओनली डी एक्स, तो क्या करेंगे, टू को हम क्या करेंगे यहाँ डी टी के अपॉन में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहां से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, और जो टू हमारा डी टी अपॉन टू आएगा उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, वन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, यहां से क्या होगा एक्स की वैल्यू टी रिप्लेस कर दिया है, तो टी अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है तो माइनस अप्लाई होगा, ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, टी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, वन अपॉन टू टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, टू एक्स अपॉन टू, देन स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम टू एक्स अपॉन टू यहां पर एज इट इज वही वैल्यू लिख देंगे, तो वन माइनस फोर एक्स पावर, ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहां पर वन है, तो वन अपॉन टू साइन इनवर्स, यहां क्या है स्टूडेंट्स हमारा, यहां टी की वैल्यू देखिए क्या है टू एक्स अपॉन वन, लिखना कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स, तो प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, या स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, देखिए टू से टू कैंसिल, नाउ एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसकी वन बाई टू की मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये आंसर दिया होगा आपको या ये दिया होगा, दोनों ही आंसर ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा। इससे पहले की जो भी हमारी सीरीज ये चल रही है कंटिन्यू, इसमें एक्सरसाइज 7.6 तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियोस देख के आराम से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना होगा हमको, इसके फॉर्म बनानी होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको 7.4 में क्या बताया था, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसको क्या करेंगे हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इस क्वेश्चन को लिखेंगे, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां ऑलरेडी 1 है, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का x लिखा प्लस का साइन, इसका क्या लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ लिखेंगे, तो हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर किया देन स्टूडेंट्स क्या होगा प्लस 6 माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो वी गॉट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का, ठीक है प्लस 2। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारी अभी फॉर्म, ठीक है फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये हो गया, देन हमारा इसको हम लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, यहां लेट कर लेते हैं कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या है टी है एंड ए इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स रूट टू, यहां से जब हम डेरिवेट करेंगे तो हमारा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, नाउ अब हम क्या करते हैं यहां फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज, क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास रूट ओवर ए स्क्वायर, यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस ए स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला समझिए, ठीक है डी टी यहां से स्टूडेंट सॉरी टी है यहां पर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होगा टी अपॉन टू, ठीक है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस है स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, ठीक है ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसको रिप्लेस करते हैं हम इसकी जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसकी जगह लिखेंगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। या स्टूडेंट्स हम टी वाली वैल्यू लिख सकते हैं यहां से डायरेक्टली, देखिए देन हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां से, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, इसे नहीं भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करते हैं इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू अपॉन टू अंडर रूट, यहां से स्टूडेंट्स यहां देखिए 7.4 में भी समझाया था मैंने और यहां भी समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर ये फॉर्म है हमारी तो यहां से हम डायरेक्टली क्वेश्चन वाली फॉर्म लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस ए स्क्वायर बाय टू। तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, रूट टू, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है टू अपॉन टू लॉग, टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस टू अंडर रूट, यहां प्लस का साइन है, एक्स प्लस टू अंडर रूट, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां से हमारा हो जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यहां कितना हो जाएगा, ये कट के वन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, इसे इरेज कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है स्टूडेंट्स, सेम आपको क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको मैं 7.4 में भी समझा चुका हूँ, यहाँ भी इस क्वेश्चन में बता दिया, तो इसको आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। नहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप कमेंट में आप, ठीक है, पूछ सकते हैं, इसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए एक बार फिर से यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में। 1 - 4x - x² है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में चाहिए ना, तो हम लिख लेंगे -x² - 4x + 1। नाउ स्टूडेंट्स यहां से हम माइनस अगर कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, x² + 4x - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहां से देखिए ये हमें सिंपल स्टूडेंट्स यहां से अब यहां से देखिए सिंपली हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां से, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस फाइव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए माइनस की वजह से मैं एक साथ माइनस की वजह से क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको इसे लिख सकता हूँ रूट फाइव का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव था माइनस की एंट्री तो पॉजिटिव हो गया, प्लस एक्स प्लस टू की पावर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फॉर्म बन गई, यहां से लेट कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट फाइव एंड टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स एक्स प्लस टू, ठीक है। तो एक्स प्लस टू इक्वल टू हमने टी लेट किया है तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास डी टी हो जाएगा। नाउ इसको पुट करते हैं स्टूडेंट्स क्या फॉर्म बनेगी, देखिए इंटीग्रल ए स्क्वायर, यहां देखिए स्टूडेंट्स क्या साइन है प्लस का साइन है, प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है ए के साथ, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया टी से, तो स्टूडेंट्स हम यहां लिख सकते हैं टी स्क्वायर, देन यहां क्या हो जाएगा हमारा डी टी हो जाएगा, इक्वल टू में क्या फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स टी अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहां क्या आएगा स्टूडेंट्स प्लस का साइन ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है, लॉग टी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा प्रॉपर, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए एंड टी, तो स्टूडेंट्स ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट, मैंने बताया था आपको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको सेम फॉर्म में हम क्वेश्चन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 - 4x - x², ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी रूट फाइव, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 5/2 लॉग टी की वैल्यू एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट, अगेन वही, ठीक है, क्वेश्चन वाली वैल्यू 1 - 4x - x², ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ये, ठीक है, प्लस सी। तो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई होप आप लोग इसे ट्राई करेंगे अच्छे से आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन एट,
ठीक है स्टूडेंट। देखिए सेवन भी सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर फाइव जैसे आपको कराया है उसी टाइप से आप इसको ट्राई करेंगे। एट देखिए स्टूडेंट्स, एट एट बता देता हूं मैं कि एट को किस टाइप से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब तक यहाँ हमारे पास ये देखिए प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्या लिखा है यहाँ से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम इसको अगेन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस जीरो, हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लिया। नाउ देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या होने वाला है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस जीरो माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स नाइन बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम थ्री अपॉइंट टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हमने टी मान लिया तो लेट एक्स प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डी टी आ जाएगा। अच्छा यहां से ए की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री अपॉइंट टू है, ठीक है स्टूडेंट्स। पुट करते हैं इसे फॉर्मूले में, अंडर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या डी टी यहाँ से क्या फॉर्मूला लगेगा, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स अगर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होता तो डिफरेंट फॉर्मूला लगता है, यहाँ क्या है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लगेगा टी अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आएगा ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग टी माइनस टी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है प्लस का सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी एंड ए, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स प्लस थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट, मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स अगेन वही जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिखेंगे वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन ये वाला ट्राई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स, ठीक है माइनस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री अपॉन टू का स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से नाइन अपॉन फोर देन अगेन, ठीक है अपॉन ये फॉर्मूले वाला टू लॉग टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स प्लस थ्री बाई टू, ठीक है प्लस का साइन, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स प्लस सी। नाउ यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूंगा एलसीएम लेकर के तो टू एक्स प्लस थ्री अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ फोर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन बाई एट लॉग, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से ये हो गया आपका एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस इसको रीअरेंज कर दे रहा हूं, क्या लिख सकते हैं वन का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स एक्स अपॉन थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू टी, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स इज इक्वल टू थ्री डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे क्या होगा ये डी एक्स अपॉन थ्री होगा तो थ्री की जब मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये थ्री डी टी हो जाएगा। यहां से आप लोग सिंपल स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब थ्री को बाहर लिख देंगे और सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए बढ़ते हैं दो एमसीक्यू की तरफ, ये स्टूडेंट्स देखिए सिंपल है, क्या होगा हमारा इसको हम ए लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहां देखिए एक्स अपॉन टू बिल्कुल ठीक है, यहां से हमने एज इट इज यहां ए स्क्वायर अपॉन टू ठीक है लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फर्स्ट वन हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखिए, इसको मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या करेंगे इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसे पुट करेंगे और जो भी आपका ऑप्शन होगा आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं अगर, ठीक है तो मैं इसको करा देता हूं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां से एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सिक्सटीन। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कन्वर्ट करने में, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां से माइनस नाइन आएगा तो मैं थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूं,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा, इसको हम टी लेट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये डी टी बराबर आ जाएगा और यहाँ से ये हमारा हो गया ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया टी, ये हो गया ए। तो स्टूडेंट देखिए डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा यहाँ से टी अपॉन टू, ठीक है टी अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन क्या होगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टी की वैल्यू को अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स माइनस फोर अपॉन टू, अंडर रूट जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री, तो कितना हो जाएगा नाइन बाई, ठीक है नाइन अपॉन टू हो जाएगा लॉग, इधर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस फोर प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स एक्स माइनस फोर प्लस अगेन हम क्वेश्चन वाली वैल्यू लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, ठीक है स्टूडेंट्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, ये देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, आई थिंक बी करेक्ट है, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं x अपॉन टू बाई टू, ओके नहीं स्टूडेंट्स यहाँ माइनस नहीं, ये देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक ओके, देन नाइन अपॉन टू लॉग, ओके तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे साथ लाइव बैचेज में पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये दिए हुए नंबर पे आप एनरोलमेंट करा सकते हैं और लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सब कुछ आपको एक तरफ से कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।